नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा से चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद को जेल से जान से मारने की मिली धमकी। कहा, मेरी जान को है खतरा, जेल से मुझे फंसाने की हो रही है साजिश। निषाद पार्टी की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं बाहुबली। रविवार को लखनऊ में DGP से की मुलाकात, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट व वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले शातिर अभियुक्त श्रीधर चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला मीडिया से हुए रूबरू। कहा, भाजपा सामान्य वर्ग की है हितैषी। 10% का आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के लोगों का किया सम्मान। 2024 में पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीतकर दोबारा बनाएंगे केंद्र में भाजपा सरकार। बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, टूटे हुए नंबर प्लेट, नंबर की जगह, लोगो या चिन्ह लगे दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहनों का SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर किया गया चालान। कहा, जल्द से जल्द सभी लगवा ले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नंबर की जगह पुलिस आदि लिखा मिलने पर भी होगा चालान। स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में भूमिहार समाज के द्वारा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, उन सभी को किया गया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अनिल नौसरन ने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक का स्वास्थ्य हो गया है अव्यवस्थित। सभी लोगों को साइकिल का करना चाहिए प्रयोग तथा करना चाहिए रक्तदान, तभी होगा स्वास्थ्य बेहतर। न्यायालय से 5 वारंटी अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही उमा सिंह का राष्ट्रीय सैतवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सैतवार समाज ने उमा सिंह को अंगवस्त्र माल्यार्पण कर किया सम्मानित। मोर्चा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अब खबरें विस्तार से। भाजपा से चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद को जेल से जान से मारने की धमकी मिली, जिसके संबंध में भाजपा के चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद ने बताया कि मेरी जान को खतरा है, उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। जेल से यह साजिश रची जा रही है, इसके पीछे कुछ बाहुबली लोग हैं। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कुछ अपराधियों ने लासड़ी के रहने वाले समर्थक सुधीर कुमार साहनी के विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग विधायक तक पहुंची है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। भाजपा विधायक ने बताया कि फोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम धर्मवीर यादव बता रहा है। उसने लहसड़ी निवासी सुधीर साहनी को फोन किया। फोन करने वाले ने अपना नाम धर्मवीर यादव बताया। उसने फोन पर सुधीर को बताया कि उसकी हत्या हो सकती है, इस हत्या की साजिश विधायक रच रहे हैं। फोन करने वाले व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या करने का भी दावा किया। उसने यह भी दावा किया कि वह जेल में बंद है, जेल से ही फोन कर रहा है। उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। धर्मवीर यादव ने जिस व्यक्ति को फोन किया था वह मेरा समर्थक है, उसी ने यह कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है, उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दिया है। इस मामले में रविवार को लखनऊ में अपने पिता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ DGP से मुलाकात किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने अंदेशा जताया कि निषाद पार्टी के बढ़ते प्रभाव से लोग घबरा गए हैं, ऐसे में इस प्रकार की साजिश की जा रही है। इसमें धर्मवीर यादव तो एक मोहरा है, इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। उन्होंने मामले की स्पेशल टास्क फोर्स से जांच कराने की मांग भी की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के चौरी चौरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद ने कहा, देखिए, अपराधी का काम ही है अपराध करना, इनका पेशा होता है अपराध करना। सपा सरकार में जो है ये इतने अपराध कर चुके थे जिन्हें योगी सरकार ने जेल भेजा, और ये जेल में रह रहे के फड़फड़ा रहे हैं, ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं,
मगर ये कहीं से भी इनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम इन्हें बता देना चाहते हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। यहाँ योगी सेवक, संजय सेवक और समाज सेवक हम लोग जैसे लोग यहाँ रहते हैं, और अपराधियों को यहाँ इस जमीन पर और उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं निषाद राज का बेटा हूँ, समाज का सेवक हूँ। इन धमकियों से और जो ये साजिश रच रहे हैं लोग, जो बैठ के ये बढ़ता हुआ निषादों का जनाधार नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सपा सरकार ने तो कोई सम्मान नहीं दिया इस समाज को। आज मोदी सरकार में, योगी सरकार में मछुआरों की तरक्की हो रही है, इन्हें सम्मान मिल रहा है, तो आज इन्हें फड़फड़ाहट हो रही है। घबराइए नहीं, ऐसे लोगों की जगह जेल है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी जेल में ही रहेंगे। ये इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। रही बात जेल से फोन आने की, हत्या की साजिश रचने की, तो इसका रिकॉर्डिंग हमने जो है प्रशासन को सौंप रखा है। जल्द ही मैं डीजीपी महोदय जी से मुलाकात करूंगा, अपनी बात रखूंगा, और ऐसे अपराधियों जो पीछे जो जेल के में भी रह के और जेल के बाहर भी रह के जो साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग प्रशासन को सौंप दी है और उन्हें बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ योगी सेवक, संजय सेवक और हम जैसे लोग समाज की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। कैंट थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रानी रिहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान श्रीधर चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी ग्राम सेहरी पोस्ट लखनापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 15 फरवरी को वादी मुकदमा के द्वारा सूचना दी गई कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास विदेश भेजने वाले स्काई लाइन ऑफिस के संचालक श्रीधर चौहान, विशाल मिश्रा तथा अन्य लोग व उसके मकान मालिक के विरुद्ध वादी मुकदमा व उनके अन्य 30 साथियों से विदेश भेजने के नाम पर जालसाजी व धोखाधड़ी कर कूटरचित फर्जी वीजा बनाकर दिया, जिसके एवज में सभी लोगों से 30,000 रुपए, 9,60,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट व नगद माध्यम से हड़पने के संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार होने का कारण नौकरी की तलाश कर रहा था, तभी मेरी मुलाकात इंटरनेट के जरिए विशाल मिश्र पुत्र रविंद्र मिश्रा निवासी कामता जनपद महाराजगंज से हुई। तब विशाल मिश्रा ने मुझे फोन किया कि हम लोग मिलकर लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लेंगे और रुपए लेने के बाद फर्जी टिकट व वीजा देंगे। विशाल मुझसे कहा कि तुम ऑफिस में बैठना और मैं दुबई में अच्छे अच्छे कंपनियों का ऑफर दूंगा तथा उसके बाद तुम लोगों को बताते रहना कि कंपनी में अच्छी सैलरी है, लोगों को झांसे में लेकर उनसे रुपए हड़प लेना और जो भी कमाई होगी हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तब मैंने लालच में आकर रानी डीहा में विदेश भेजने के नाम पर स्काई लाइन टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर से एक सेंटर खोला। मैंने विदेश भेजने के नाम पर करीब 30 से 40 लोगों को फर्जी टिकट व वीजा देकर हर व्यक्ति से 30,000 रुपए हड़प लिए और विशाल के हिस्से का रुपया उसे देकर मैं स्काई लाइन ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अवनीश पांडे, कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल रहे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल प्रत्येक दिन पिछड़े और शेड्यूल कास्ट पर चर्चा करते हैं, सामान्य वर्ग पर कोई भी चर्चा नहीं करता। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के व गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 10% का आरक्षण देकर सामान्य वर्ग का भाजपा ने सम्मान किया। भाजपा सामान्य वर्ग की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि 2024 की विपक्ष पूरी तौर पर प्रधानमंत्री की खोज के साथ कर रहा है, वह सपने देख रहा है। 2024 का चुनाव इस प्रकार होने वाला है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वह
और एनडीए की संख्या उससे अधिक होकर के 2024 में सरकार बनाने वाले हैं। इस तरह कोई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है, उसके विषय में सोचता है, वह अपना भी परिहास करता है और विपक्ष का तो पूरी तरह परिहास हो ही रहा है। सामान्य वर्ग के प्रति लोगों के जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दल उपेक्षा का भाव रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के हितों के बारे में सोचती है, इसलिए हम पिछले बार से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ये पहली बात तो ये कि मेरे राज्यसभा के 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा हुए हैं और जब भी मेरा कोई कार्यकाल पूरा होता रहा तो एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद देता रहा हूँ। तो आज मैं अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने हमें सांसद के रूप में उस समय चयनित करके के बनवाया था, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मुझे अपने साथ एक मंत्री के रूप में अवसर दिया था। मैं इन दोनों को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले भी करता रहा तो आज उसी क्रम में मैंने ये किया है। दूसरी बात यह है कि इस समय 2024 की तैयारी विपक्ष पूरी तौर पर प्रधानमंत्री की खोज के साथ कर रहा है कि कौन 2024 में शिकस्त देकर के भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री होगा। अभी उनका कोई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं आया है, फिर भी हाथ पांव सभी मार रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव इस प्रकार का होने वाला है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वह और एनडीए की संख्या उससे अधिक होकर के हम सरकार बनाने वाले हैं। इस नाते अगर कोई प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है, उसके विषय में सोचता है, तो मुझे लगता है कि अपना भी प्रयास करता है और विपक्ष का प्रयास तो पूरी तौर पर हो ही रहा है। एक तीसरा विषय जो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दल केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल प्रत्येक दिन पिछड़े और शेड्यूल कास्ट पर चर्चा करते हैं, सामान्य वर्ग पर कोई भी चर्चा नहीं करता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लोगों को, गरीबी की रेखा नीचे के लोगों को 10% का आरक्षण देकर के सामान्य वर्ग का सम्मान किया। मैं आज अपील सामान्य वर्ग के लोगों से भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, तो ऐसे सभी राजनीतिक दलों को जो सामान्य वर्ग को पूरी तौर पर निरीह समझते हैं, आगे बढ़कर के अपनी तलाश सामान्य वर्ग के लोगों को करनी चाहिए, राजनीतिक मुकाम करनी चाहिए, और जो उनके लिए कार्य कर रहा है निश्चित ही उसको अगर बढ़ाने की बात आएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध समाज के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए हम लोगों का लगाया था, पूरे प्रदेश में हम लोग लगे थे और 99% ये कह सकते हैं 98-99% तक ऐसे वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। इस नाते
मैं अब पूरी तौर पर सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस बात के लिए सतर्क भी करने आया हूं, निवेदन भी करने आया हूं और उनको ये कहने आया हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचान करके ऐसे सभी लोग जो आपको कहीं न कहीं नेपथ्य में ले जाना चाहते हैं अपने निर्णयों के द्वारा उनको बताने का कार्य करें। ये तीन विषय आज के निश्चित रूप से थे जिसको हमको आप लोगों के समक्ष रखना था। 2024 का चुनाव, ये अपने नेतृत्व को धन्यवाद और सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दल उपेक्षा का भाव रखते हैं उनको भी इस बात को कहना चेतावनी कि सामान्य वर्ग कोई निरीह नहीं है बल्कि वह पूरी तौर पर आगे बढ़ करके कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उसको सम्मान दिया है उस सम्मान को देखते हुए उन लोगों को समय पर हाशिए पर ला करके खड़ा करेगा। सामान्य वर्ग सरकार से नाराज नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को भी देने का काम किया और इस नाते सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और अन्य लोगों को सबक सिखाएगा। मेरा यह मानना है कि जो सूची EWS की बनी थी वह एक गणना के आधार पर समाजवादी पार्टी के समय में बनी थी जब उसकी सरकार थी, अब उसको पुनरुच्छित किया जाना चाहिए और सामान्य वर्ग के EWS के लोगों को भी प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सरकार इससे अधिक बहुमत लेकर के बनाने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस अपने को बचाने की तैयारी कर रही है। क्या हल्ला बोल कार्यक्रम से आज दिल्ली में जिस तरीके से पूरा सैलाब हो रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सैलाब तो नहीं है, हल्ला बोल जरूर है। अब उनके हल्ला बोल ही रह गया है, उनके साथ का जो सैलाब था वो खत्म हो गया है और पूरा का पूरा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। हम ये समझते हैं कि कांग्रेस अपने और आज के समय का मिलान करेगी तो निश्चित रूप से वही मौखी खाएगी। अब देखिए ये तो समय आता है, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और उस समय की परिस्थितियों को देखने के बाद लगेगा कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तब उसका निर्णय किया जाएगा। अब देखिए बहुत सतही सवाल है और वास्तव में अभी इसकी कुछ हमको कोई जानकारी भी नहीं है। नाम इत्यादि तो बदले जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल इस सवाल की जानकारी अभी मैं इस नाते नहीं दे सकूँ कि मुझे जानकारी है नहीं। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पैडलेगंज चौराहा स्थित नौका विहार मार्ग पर बिना हेलमेट के चलने वालों के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट टूटे हुए वाहनों का चालान भी किया गया। वहीं चार पहिया वाहन से चल रहे बिना सीट बेल्ट के लोगों का भी चालान किया गया। इसके अलावा दो पहिया वाहन के नंबर प्लेट पर पुलिस लिखे हुए पुलिसकर्मियों का भी चालान किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महानगर में विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिन्होंने अपने गाड़ी का चालान होने से नंबर प्लेट का एक नंबर मिटा रखा है या उखाड़ रखा है, गाड़ी पर किसी प्रकार का लोगो या चिन्ह लगा रखा है, ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा जागरूक भी किया जा रहा है कि सभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों पर आगे नंबर की जगह पुलिस लिखा मिला उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और हिदायत दी गई कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाता है तो उसके ऊपर भी उसी धारा का चालान होगा जो पब्लिक के साथ होता है। चेकिंग के दौरान TSI रामवृक्ष यादव, TSI इंदल कुमार, कांस्टेबल सोनू यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, ¿Qué es lo que está pasando?
भी किया और नंबर प्लेट भी गवर्नमेंट लगाया हुआ।
दिन में आठ लाख। क्या क्या किए थे आप? कला आप कलाकार हैं क्या? नहीं सर। इनका चालान करिए आगे भी और पीछे सर। कुछ दिन में आ गए सर। मेरे द्वारा शहर में 6 स्थानों पर चेकिंग की कार्रवाई कराई जा रही है। पेडलेगंज पे हो रही है, अश्रुन पे हो रही है और बरगदबा पे हो रही है। शहर के विभिन्न विभिन्न पॉइंटों पे बड़े बदल के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने अपने गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए जानबूझ के एक नंबर मिटा रखा है या उखाड़ रखा है, अथवा जो लोग कागज़ लेकर नहीं चल रहे हैं या गाड़ी पर नंबर प्लेट के अलावा उन्होंने कोई चिन्ह लगा रखा है, तो ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है कि चिन्ह की बजाय नंबर प्लेट लगाएं और अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएँ। ऐसे वाहनों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी नियमित प्रक्रिया है, हमेशा ये कार्रवाई होती रहती है और आगे भी जारी रहेगी। सब कई गाड़ियों पर पुलिस लिखा हुआ देखा गया, उनके भी चलान आपको जो रखी जा रही है? जिन गाड़ियों पर आगे पुलिस लिखा था, नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी, ऐसी गाड़ियों का भी चालान किया गया है। कोई भी पुलिसकर्मी अगर नंबर प्लेट नहीं लगाएगा तो उसके साथ भी उसी धारा का चालान होगा जिस धारा का पब्लिक के साथ होता है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। भाजपा से चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद को जेल से जान से मारने की मिली धमकी। कहा, मेरी जान को है खतरा, जेल से मुझे फंसाने की हो रही है साजिश। निषाद पार्टी की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं बाहुबली। रविवार को लखनऊ में DGP से की मुलाकात, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट व वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले शातिर अभियुक्त श्रीधर चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला मीडिया से हुए रूबरू। कहा, भाजपा सामान्य वर्ग की है हितैषी। 10% का आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के लोगों का किया सम्मान। 2024 में पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीतकर दोबारा बनाएंगे केंद्र में भाजपा सरकार। बिना हेलमेट बिना नंबर प्लेट, टूटे हुए नंबर प्लेट, नंबर की जगह लोगो या चिन्ह लगे दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहनों का SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर किया गया चालान। कहा, जल्द से जल्द सभी लगवा ले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नंबर की जगह पुलिस आदि लिखा मिलने पर भी होगा चालान। स्वामी सहजानंद सरस्वती के स्मृति में भूमिहार समाज के द्वारा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, उन सभी को किया गया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अनिल नौसरन ने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक का स्वास्थ्य हो गया है अव्यवस्थित। सभी लोगों को साइकिल का करना चाहिए प्रयोग तथा करना चाहिए रक्तदान, तभी होगा स्वास्थ्य बेहतर। न्यायालय से 5 वारंटी अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही उमा सिंह का राष्ट्रीय सैतवार मल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सैतवार समाज ने उमा सिंह को अंगवस्त्र माल्यार्पण कर किया सम्मानित। मोर्चा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन नौका विहार स्थित योगी राजभवन गंभीर रात प्रेक्षागृह में भूमिहार समाज के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज रहे, जिसमें समाज के लगभग 2 दर्जन से अधिक विभूतियों को सम्मानित किया गया, जो खेल, कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराकर समाज को गौरवान्वित करने का काम किए हैं। जिसके संबंध में महाराज दंडी स्वामी अनंतानंद ने बताया कि अपने पूर्वजों से ही मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है। जो भगवा त्याग का प्रतीक है, वह भगवा शासन सत्ता को भी अनादिकाल से चलाता आ रहा है। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में स्वामी सहजानंद सरस्वती महाराज के द्वारा आजादी के समय किसान आंदोलन के नाम पर आम जनमानस को पुनः भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खड़ा किया। उनकी स्मृति में तथा उनको याद करते हुए जनपद के भूमिहार समाज ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे, युवा, वृद्ध कार्य कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तमकुही राज के विधायक असीम कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, पूर्व विधायक डॉक्टर पी के राय, पूर्व एमएलसी रामाशीष राय सहित भारी संख्या में भूमिहार समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने कहा, श्री आलोक राय जी, श्री आशुतोष राय जी उच्च न्यायालय में है, देवी श्राम चतुर्वेदी जी जिला पंचायत एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर में जिला सत्र सम्मान प्राप्त करने वाले आदरणीय बंधुओं से भी निवेदन है कि सम्मान प्राप्त सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन भी है, श्री संजय राय, आदरणीय श्री संजय राय जी भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, इसी के बाद काम कर आइए प्रभु। हम लोग के बीच मनोज राय जी उपस्थित हैं, जिले में खेती में नए प्रयोग किए हैं। श्री अमरेंद्र शाही जी उपस्थित है, आप नौकरी भी करते हैं और केले की खेती में। अनुराग राय जी की विशेषता यह है कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, लेकिन समाज का जब भी कोई व्यक्ति जिसकी जरूरत हो, विशेषतानंद राय जी, उमाकांत सिंह जी, हमारे अभिभावक महाजन सिंह जी, पी के राय जी, हमारे दीदी और रामाशीष भैया और जयराम पांडे जी और साथ साथ अरुण पांडे जी का संचालन, ये हम सब लोगों को। जब आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं स्वामी जी को ढूंढ रहा था, मुझे पता लगा कि मुख्य अतिथि महोदय अभी रास्ते में हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा 2-4 मिनट जो लोग मिल सकते हैं उनको मिल गया। और मैं जब बार बार जब इतिहास के पन्नों को हम खंगालते हैं, ये सही बात है कि स्वामी सहजानंद जी की जो विचारधारा थी, बाकी शादी की बात भी आपने बताई, हमने किया कई बार अमेरिका वगैरह में, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि क्या वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पत्नियां बहुत जाती करती हैं कि आदमी दोबारा शादी नहीं करता, साधु होना प्रेफर करता है, तो विस्तार से नहीं बताया उस हिस्से को। और उनकी जो पुत्री है शीला, जो आजकल उस किताब के बाकी पन्नों को परिमार्जित कर रही है, वो समाज के अंदर आप शिक्षित होते हैं, समाज के अंदर जब आप दीक्षित होते हैं, उससे जब आप सीखते हैं, तब जाके आपको शिक्षा का वास्तविक प्रयोग मालूम पड़ता है। शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने लोग हैं ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप सब लोग हमारे टार्च बेरर हैं। जब आप समाज के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, जब राजन बाबू के बुलावे पे राजकुमार शुक्ल जी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहुंचे थे, तो वहां पर पहली बार उनकी मुलाकात, सबको जरा जरा करके ऐसे ही आगे बढ़ने की जो कला है, हम उस कम्युनिटी से आते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हम सारे के सारे अगर केवल एक बात पे ध्यान रख लें कि हम शिक्षित होना है, हमें पढ़ाना है बच्चों को और बच्चों को आगे बढ़ाना है, इसी से सारे
कि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी उनका स्वागत करें सत्तर भव से। विकास राय जी, डॉक्टर धर्मेंद्र राय जी, डॉक्टर हर्षवर्धन राय जी, डॉक्टर बी के राय जी, डॉक्टर आप सभी सर सामने चिकित्सक महोदय आदरणीय जो लोग अभी आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अपने पूर्वजों से ही मनुष्य कुछ सीखता है, जो भगवा त्याग का प्रतीक है वो भगवा शासन सत्ता को ही केवल आज ही नहीं चला रहा है, शासन सत्ता को अनादिकाल से नियंत्रित करते रहा है। उसी क्रम में आज़ादी के कालखंड में, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में यतिराज भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा जो नवजागरण का काल शुरू किया गया 1857 के क्रांति के बाद, भारत एक तरह से सुसुप्ता अवस्था में जा चुका था, भारत का जनमानस भयभीत हो चुका था, और उस भयभीत जनमानस के मन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी महाराज ने जो किसान आंदोलन के नाम पर आम जनमानस को पुनः भारतीय आंदोलन के लिए खड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खड़ा किया, उनके स्मृति में उनको याद करते हुए आज गोरखपुर के भूमिहार ब्राह्मण समाज ने सम्मान समारोह रखा है, जो समाज के विविध क्षेत्रों में जो बच्चे, जो युवा, जो वृद्ध कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों के सम्मान के लिए। केशभान जी 57 साल की उम्र में इसी गोरखपुर ज़िले के हैं, जिन्होंने इंटर कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया है, तो ऐसे लोगों का भी सम्मान हो रहा है जो आदर्श अपने पुत्रों को आदर्श देने के लिए कि केवल जवानी में तुम जो है ऐसे व्यर्थ दूसरों के ऊपर दोषारोपण करो कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ सेवाएं नहीं हैं, उससे बेहतर है कि देखो मैं 57 साल की उम्र में नौकरी पा गया, तुम मेहनत करोगे तो निश्चित तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो ऐसे जो समाज में प्रतिभा है जो प्रेरित कर सकती है दूसरों को, ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा है। अभी स्माइल रोटी करके एक चलाने वाले बच्चे हैं मिश्रा जी, उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह की बहुत सी प्रतिभाएं जो समाज में हिडन मैंने रूप में हैं, जो काम कर रही हैं, उनको आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। भगवा केवल आज नहीं रंगा है, तिरंगे का रंग भगवा है, वो अलग बात है कि आईना जिसके पास जैसा रहा उसने वैसा देखा। और रही बात विकास की, तो आप अगर आंख बंद करके भी देश के चौड़ी सड़कों पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे देश में विकास हुआ है। आप चिकित्सालयों में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो हाइजीनिक सिस्टम अभी दिख रहा है वो आपको यह आभास कराएगा कि विकास हुआ है। और मैं यह विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं भी चलता हूँ ट्रेन से ही, तो देश के जो स्थानक है यानी जिसको स्टेशन बोलते हैं, वो जितने नीट एंड क्लीन और अप्रोचेबल हुए हैं वो विकास को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। लौकिक, शैक्षणिक और अन्यान्य विकासों की जो बातें हो रही हैं उसमें भी सरकार आई है और वो अपना काम कर रही है। तो भगवा त्याग का प्रतीक अनादि से था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और वो त्यागमय तरीके से विकास कर रहा है, इसमें कहीं शंका नहीं है। डॉक्टर अनिल नौसरन ने वर्तमान समय में नागरिकों के स्वास्थ्य पर कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि लोगों का जीवन अव्यवस्थित हो गया है, जिससे लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, जिसको देखते हुए देश भर में साइकिल यात्रा कर रहा हूं, जिसको स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा नाम दिया है। पिछले वर्षों कलकत्ता, मुंबई, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, ब्रिजभूमि, इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य जगहों पर साइकिल यात्रा कर चुका हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। 1 नवंबर 2022 को लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा होगी, इसीलिए शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट करवाएं, असाध रोगों से मुक्ति पाएं या समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अनिल नौसरन ने कहा, कितनी भी चीजें ले लें अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप आनंद में नहीं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल नौसरन है और मैं मेरठ से हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन MD पैथोलॉजी है। मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज का UGPG रहा हूँ। सर, यहाँ पे गोष्ठी भी किन लोगों की है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना,
और जो आज की तारीख में जो घर घर बीमारियां हैं और घर घर आदमी का जीवन जो अव्यवस्थित हो रहा है उसका कारण है बीमारी भी। उसी के संदर्भ में मैं पिछले 4 सालों से देश भर में साइकिल यात्राएं कर रहा हूं। यात्राओं का नाम रहता है मेरा एड्स एवं स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा। पिछले वर्षों में मैं बहुत से शहरों में मेरठ से ही साइकिल यात्राएं करता हूं और जिसमें मैं कलकत्ता, मुंबई, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, ब्रजभूमि, आपका इंदौर, गुना, ग्वालियर, ये सब नैनीताल, शिमला, मसूरी, इधर करना, हरियाणा के कुछ सोनीपत, करनाल, पानीपत, कैथल, पंजाब का कुछ एरिया मैंने लुधियाना, मानसा, बठिंडा, ये सब का मैं घूम चुका हूँ। और अभी 1 नवंबर 2022 को मेरी लाल चौक श्रीनगर से कन्याकुमारी की किस दिन की ये साइकिल यात्रा होगी और इसके 2 स्लोगन हैं जिसको मैं लेकर चलता हूँ। एक तीसरा भी है, वो भी मैं बताऊँगा। शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएँ, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट कराएं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। दूसरा है कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी, फिट इंडिया। और तीसरा एक है जिससे कि बहुत आम जनता, स्पेशली गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए आओ चलो रक्तदान करें, किसी अनजान को जीवन दान करें। अब ये जो मेडिकल कुंडली है, आप सोच रहे हो क्या चीज़ है ये, जिस तरीके से हम शादी से पहले एक कुंडली बनवाते हैं उसी प्रकार ये मैंने महसूस किया है कि उस कुंडली के मुझे ऐसा नहीं लगा है जो डॉक्टर को फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो मेडिकल कुंडली है अगर ये शादी से पहले लड़के लड़की के कुछ ब्लड टेस्ट हो जाएं तो उन बच्चों से जो अगली संतान और जो अगली जनरेशन जो पैदा होगी वो एक स्वस्थ जनरेशन पैदा होगी और जो जहाँ स्वस्थ जनरेशन पैदा होगी तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसमें जैसे कि एक बहुत महामारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है थैलेसीमिया की, जिसमें कि जन्मजात बच्चे के अंदर खून की कमी होती है, खून जो RBCs होती हैं वो डिफेक्टिव बनती हैं और उसकी जब से वो पैदा होता है जब तक उसकी 25-30 साल के बाद जो उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि जल्दी मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों की, तो वो लगातार बगैर डॉक्टर के इलाज के वो जिंदा ही नहीं रहते, लगातार वो डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट में, जिसकी वजह से उस परिवार की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है और दूसरा बच्चा भी कंप्रोमाइज़ करता है। एक बच्चा हेल्थ की वजह से वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा इग्नोरेंस की वजह से ख़त्म हो जाता है, वो पूरी फैमिली का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जिनकी शादियां करनी है, उनके कुछ जरूर उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, उनकी मैचिंग कराएं, ताकि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा ना पैदा हो जिसका कि रोग ऐसा हो कि जो असाध्य हो, वो अपंग हो और उस बीमारी की वजह से आपके परिवार में कष्ट हो और आपका जीवन खराब हो। कहीं ना कहीं लोग अब साइकिलिंग की आप बात कर रहे हैं, लोग दूर से जा रहे हैं, भाग दौड़ की दुनिया से, अभी देश तरक्की कर रहा है लेकिन इसी से लोग इन सब चीज़ों से वंचित रह जा रहा है। उसका कारण है कि हम लोग जो एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड, एक भौतिक युग, एक भौतिक जो चीज़ें हम सोच रहे हैं उसकी तरफ बहुत भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे जैसे ही 40 की उम्र पार करते हैं उनको समझ में आने लगता है कि हम किस दौड़ में भाग रहे हैं। अब समय है, एक टाइम आया है कि पीछे हम भी देख रहे हैं कि पीछे 30 सालों से इस तरह के पीछे भाग रहे हैं, अब उनको जीवन में जो भी आदमी 50 की उम्र अब क्रॉस कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। गोरखपुर आने का क्या मतलब? गोरखपुर तो मेरा एक्चुअली क्या कि यहाँ पे मेरी एक मीटिंग भी थी, उसको अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य अब जीवन का मेरा मुख्य उद्देश्य लोग जन जो आम जनता है उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ही है। मैं आया हूँ मीटिंग में, ज़रूर आया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ मेरा जो फर्स्ट उद्देश्य था वो लोगों को जागरूक करने का था, जिसमें कि मैंने कल शाम भी यहाँ गोरखपुर में एक घंटा मैंने साइकिल चलाई, बैनर गाड़ी के ऊपर बैनर लगा के, और सुबह भी डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे जो ताल है जहाँ पे बड़ा तालाब है वहाँ पर मैंने एक घंटा वहाँ साइकिलिंग की, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए, मेरा संदेश जाए। और ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सब लोग साइकिल को लें, क्योंकि आज की तारीख में 3 बीमारियां घर घर में हैं, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कि ये 3 में से 1 बीमारी ना हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, और 3 सिम्टम हैं, भूखने लगना, नींद ना आना और बेचैनी।
ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले एक घंटा तारों की छाँव में मून की लाइट के अंदर आप साइकिल करेंगे तो आप ये सब बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, हेल्दी रहेगा। और जब आपका शरीर हेल्दी होता है तभी आप आनंद ले पाते हैं, बगैर हेल्थ के आनंद असंभव। तो मेरी और दूसरा साइकिल के आजकल हर शहर में आप भी देख रहे हैं कि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, पार्किंग की बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं नहीं पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इतना ये गाड़ी जो एमिशन करती है ये केमिकल्स का, जिनकी जिसकी वजह से इतने कैंसर्स बढ़ रहे हैं, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग वाला एक मैटर जो है, कहीं ना कहीं ये हमारी उस पर लगाम लगाएगी। और अपील करूंगा फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे पूर्वांचल से कि सब लोग अपने जीवन में इस छोटी छोटी जो दूरियां हैं, छोटे छोटे काम हैं, उसको साइकिल से करें। आपको उसके दो फायदे होंगे, आपका पैसे की बचत होगी, आपकी हेल्थ बनेगी और आपका एनवायरमेंट शुद्ध होगा। थैंक यू। शाहपुर थाने की पुलिस ने 5 वारंटी को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मनोज पुत्र मंतलाल हरिजन निवासी सुड़ियाकुआं थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा राजेश कुमार पुत्र लालजी प्रसाद निवासी बशारतपुर दक्षिणी टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा अर्जुन पुत्र भागवत निवासी कोडैया झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर, चौथा मोहन पुत्र लौटू चौहान निवासी खरैया पोखरा बशारतपुर जनपद गोरखपुर, पाँचवा रवि पुत्र कालिका निवासी मकान नंबर 214 सी जटेपुर रेलवे कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह, अभय नारायण सिंह, पप्पू राय, कांस्टेबल आशुतोष कुमार यादव, राकेश कुमार, शशिकांत सिंह, अखिलेश, मनीष कुमार, विजय मौर्य शामिल रहे। राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा द्वारा साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह सेंथवार सहित अन्य लोगों ने साइकिलिस्ट उमा सिंह का अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर बधाई दी। आपको बता दें कि साइकिलिस्ट उमा सिंह ने भारत के सभी 28 राज्यों की राजधानी को मात्र 73 दिनों में 12,271 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर पूरा कर लिया, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो 19,840 फीट पर साइकिल से अप एंड डाउन करने का रिकॉर्ड 15 अगस्त 2021 में बनाया है, जो कि भारत का प्रथम भारतीय रिकॉर्ड है, तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के 3,669 किलोमीटर की दूरी को केवल 73 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में पूरा किया, जो लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। अगस्त 2022 में नेपाल के 4 पर्वत श्रृंखला पर एक के बाद एक फुल 4 चोटियों पर साइकिल से पहुंचकर प्रथम भारतीय होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष रत्नेश सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुधीर सिंह, अनूप कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार सेंथवार और सम्मानित हुए साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही उमा सिंह ने कहा, बधाई दे देते हैं। हेलो मामन भाई से, इधर देखो बेटा, इधर देखो हाँ इधर देखो जी, उनको चाहिए ना मेरा नाम उमा सिंह है, साइकिलिस्ट और माउंटेनियर हूँ प्रोफेशन से, और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रेरणा तो अपने आप से ही मिली,
लाइक अपने देश के लिए रिकॉर्ड बनाना, अपने देश के लिए करते जाना, बस इसी सब से प्रेरणा मिली और करते चला गया। आज के डेट में मैं 3 फर्स्ट इंडियन का मेरे पास टैग है और 4 रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। ये जो यात्रा आपने पूरे राज्यों की की, कितने दिन लगे, कैसे की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मेरा ऑल इंडिया जो रिकॉर्डिंग था ये था 30 नवंबर सन 2020 को स्टार्ट किया था और 10 फरवरी सन 2021 को जाके 73 डेज में 12,271 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके मैंने कंप्लीट किया। और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो भारत की सभी राज्य और उसकी राजधानियों को, स्पेशल राजधानी टू राजधानी को साइकिल से कवर किया। और उसके बाद मैंने माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से चढ़ाई किया। मैं बताऊं, पूरे वर्ल्ड से लगभग 14 से 15 लोग ही हैं जो माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से टॉप किए हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। एंड उसके बाद अभी कश्मीर से कन्याकुमारी नॉन स्टॉप बाइक राइडिंग 3629 किलोमीटर मैंने 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में कम्प्लीट किया, एक रिकॉर्ड बनाया। और नेक्स्ट अभी 10 दिन पहले मैंने 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैंने एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, रेंजोला पास, गोक्योरी, इन सभी चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई किया। और इन सभी चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई करने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए? समस्याएं देखा जाए तो जो वहाँ पर फिजिकली समस्याएं हैं वो तो समस्याएं नहीं, वो तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है, वो तो आनी ही आनी है। बाकी उसके बाद जो समस्याएं आती है केवल फंड से संबंधित आती हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको अरेंज करना और कलेक्ट करना और फिर उसके बाद जाकर कंप्लीट करना, इट्स चैलेंजिंग। हाँ, अभी सैथवामराल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है एंड और भी लोगों ने, प्रशांत भैया साइकिल कंपनी ने, साइकिल कोलकाता साइकिल स्टोर गोरखपुर ने और दिल्ली बाइक कंपनी ने, एक रेंटन होप बाइक कंपनी ने, प्रशांत जी हैं, ऐसे सुधीर भैया हैं, लोगों ने सपोर्ट किया तब जाके आज तक कंप्लीट कर पाया हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों ने आपको? थैंक यू वेरी मच आप लोग सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप लोगों का ऐसे सपोर्ट बना रहा तो एक दिन मैं ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि इंडिया का लड़का ऐसा कर सकता है। इसके आगे क्या करना है, क्या लक्ष्य है? अभी जो अगला टारगेट है, मैं विंटर में, सर्दी में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना चाहता हूँ, जो कि ना के बराबर लोग विंटर में गए हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना है। मेरा नाम मनोज सिंह सैंथवार है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा और यह कार्यक्रम इसी के तत्वाधान से हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा पूर्वांचल के सभी विभूतियों को सम्मानित करने का एक कड़ी में, ये मेरे छोटे भाई माउंटेनियर श्री उमा सिंह साइकिलिस्ट एंड माउंटेनियर, इनका सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि अभी उमा जी ने बताया कि भाई इस कार्य में फंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, हम लोग लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए आह्वान भी करेंगे कि उमा को फंड भी दिया जाए इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उमा पूर्वांचल का वो कोहिनूर है कि अगर इसको सही समय मिले, सही फंड मिले और सही तरह से इसका उपयोग किया जाए तो ये पूरे पूर्वांचल का नाम पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में यह प्रचार प्रसार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा से चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद को जेल से जान से मारने की मिली धमकी, कहा मेरी जान को है खतरा, जेल से मुझे फंसाने की हो रही है साजिश, निषाद पार्टी की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं बाहुबली, रविवार को लखनऊ में डीजीपी से की मुलाकात, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट व वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले शातिर अभियुक्त श्रीधर चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला मीडिया से हुए रूबरू, कहा भाजपा सामान्य वर्ग की है हितैषी, 10% का आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के लोगों का किया सम्मान, 2024 में पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीतकर दोबारा बनाएंगे केंद्र में भाजपा सरकार।
बिना हेलमेट बिना नंबर प्लेट टूटे हुए नंबर प्लेट नंबर की जगह लोगो या चिन्ह लगे दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहनों का एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर किया गया चालान। कहा जल्द से जल्द सभी लगवा ले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नंबर की जगह पुलिस आदि लिखा मिलने पर भी होगा चालान। स्वामी सहजानंद सरस्वती के स्मृति में भूमिहार समाज के द्वारा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे बच्चे युवा और बुजुर्ग उन सभी को किया गया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अनिल नौसरन ने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक का स्वास्थ्य हो गया है अव्यवस्थित। सभी लोगों को साइकिल का करना चाहिए प्रयोग तथा करना चाहिए रक्तदान, तभी होगा स्वास्थ्य बेहतर। न्यायालय से 5 वारंटी अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही उमा सिंह का राष्ट्रीय सैथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सैथवार समाज ने उमा सिंह को अंगवस्त्र माल्यार्पण कर किया सम्मानित। मोर्चा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।